मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आरबी समाचार पर। खबर दिखेगी सच। बीच में ही रोकनी पड़ी शादी की रस्म। फेरे से पहले दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शादी वाले घर में हल्दी की रस्म चल रही थी, उसी दौरान दुल्हन के प्रसव पीड़ा हुई और उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद दोनों परिवारों में खुशियां का माहौल है। हल्दी की रस्म के बीच हुई प्रसव पीड़ा, शादी रोकर अस्पताल ले गए परिजन। पैठू प्रथा में शादी से पहले ही लड़की चली जाती है लड़के के पास। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के दौरान हल्दी की रस्म चल रही थी, उसी दौरान दुल्हन को प्रसव पीड़ा हुई और शादी के कार्यक्रम को बीच में ही रोक देने का पड़ा। परिजन दुल्हन को तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसने बेटे को जन्म दिया। यह मामला जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम बासकोट का है। किडगिड़ी जिला नवरंगपुर उड़ीसा की रहने वाली दुल्हन की मां सरिता मंडावी ने बताया कि आदिवासियों में चल रही पैठू प्रथा के चलते उनकी बेटी शिवपती मंडावी अगस्त माह में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपने पसंद के लड़के चंदन नेताम, जो बासकोट के रहने वाले हैं, उसके यहां घर पैठू के लिए गई हुई थी, जहां पर वो लगभग 6 माह रही और गर्भवती हो गई। आदिवासी समाज में आज भी चल रही पैठू प्रथा, बता दें आदिवासी समाज में एक अलग प्रथा है जिसमें ना तो मुहूर्त देखा जाता है, ना तो कुंडली का मिलान किया जाता है, बल्कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर शादी के लिए स्वतंत्र होते हैं। शादी योग्य लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़की लड़के के घर में चली जाती है, जिसे पैठू प्रथा के नाम से जाना जाता है। यह प्रथा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।